दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के यानी कि विज्ञान के, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया? आपके ऑप्शन है बर्जीलियस, होलर, कोल्बे, बर्थेलोट। यदि आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था फार्मिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, यूरिया या मीथेन? आंसर हो जाएगा सी, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयुक्तताएं एवं समूह चतुर्फलक के चारों किनारों की ओर डिप्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है, यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? आपके ऑप्शन है जे जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, लीवेल तथा वाट हॉफ। आंसर हो जाएगा टी आपका, लीवेल तथा वाट हॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज। तो आंसर हो जाएगा डी आपका, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्य होता है? आपके ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस। आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आपके ऑप्शन है उर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन, निर्वात आसवन। आंसर हो जाएगा उर्ध्वपातन। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके इन 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है भाप स्फरण, आंशिक स्फरण, निर्वात स्फरण, उर्ध्वपातन। आंसर हो जाएगा भाप स्फरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक C3OH का IUPAC पद्धति के नाम है? आपके ऑप्शन है मेथेनॉल, मेथनल, मेथिल एल्कोहल या हाइड्रोक्सी मीथेन। आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन का IUPAC नाम है? आपके ऑप्शन है इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन। आंसर हो जाएगा इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन का IUPAC नाम है इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन टू। आंसर हो जाएगा इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है? आपके ऑप्शन है इथिलीन, इथेनॉल, प्रोपेनॉन, इथाइन। आंसर हो जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है? आपके ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, डी हेक्सा क्लोरोमीथेन। तो आंसर हो जाएगा ए, ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरल, चोरल और IUPAC नाम है यानी कि क्लोरल का IUPAC नाम क्या है? इथेनॉल, मोनोक्लोरो इथेनॉल, हाइड्रो इथेनॉल, ट्राइक्लोरो इथेनॉल। तो आंसर हो जाएगा ट्राइक्लो इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक है? आपके ऑप्शन है जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है, फिनॉल एक यौगिक है? आपके ऑप्शन है एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, विषय चक्रीय। आंसर आपसे हो जाएगा बी, एरिमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है -O, BSC बराबर O, CHO या -OH? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, -OH। नेक्स्ट है, एल्डिहाइड
में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। आपके ऑप्शन है -OH, -CHO, C=O या -COOH। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटीन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है। आपके ऑप्शन है -CHO, -COOH, C=O या -OH। तो आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अंग में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है। आपके ऑप्शन है -CHO, -COOH, C=O या -COOR। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक युग्म गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। आपके ऑप्शन है क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह, उदासीन समूह या निष्क्रिय समूह। आंसर हो जाएगा आपका ए, क्रियाशील समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या दूध से। आंसर हो जाएगा दालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। आपके ऑप्शन है काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन। आंसर हो जाएगा सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या एपिथीलियम में। आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। आपके ऑप्शन है शरीर के लक्षणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, सी है वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, डी है आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता ऐसा वह कर पाता है। आपके ऑप्शन है अपनी पेशी में जमा किए गए पानी का प्रयोग करके, अपने कूबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके, पानी के प्रयोग को कम करके। आंसर हो जाएगा आपका बी, अपने कूबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो आंसर हो जाएगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। आपके ऑप्शन है मेंडल, पाश्चर, फंग या लेनेक। तो किसने किया था, फंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा। आंसर हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक पदार्थ कहा जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। आंसर हो जाएगा ए आपका, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। आपके ऑप्शन है यकृत, आमाशय, तिल्ली या उदर। आंसर हो जाएगा आपका ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू में, टमाटर में, गाजर में या पालक में। तो किसमें उपलब्ध रहता है, गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन है तो थायमिन क्या है, विटामिन सी है, विटामिन B2 है या विटामिन B6 या विटामिन बी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। आपके ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मत विटामिन है। आपके ऑप्शन है केरोटीन, रिबोफ्लेविन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्रोप्रोपेन
कोवालियन है, विटामिन सी, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स या विटामिन बी बारह? तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या दूध? आंसर हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। तो दोस्तों ये थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के यानी कि विज्ञान के, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन में क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।